दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से देख सकते हैं राशन कार्ड में अपना नाम। जी हां दोस्तों, आप अपने पंचायत का सभी का राशन कार्ड का लिस्ट देख सकते हैं, किस किस के पास राशन कार्ड है। दोस्तों ये देखने के लिए, जानने के लिए आपको ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। दोस्तों गूगल पे आपको लिखना होगा। दोस्तों आप गूगल क्रोम या गूगल ब्राउजर में खोल सकते हैं, डेस्कटॉप मोड में कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहां पर लिख देता हूं बिहार राशन कार्ड लिस्ट। दोस्तों जैसे मैं लिखता हूं बिहार राशन कार्ड लिस्ट, आपके सामने ये पहला आ जाएगा लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल के आएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, तो मैं दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ खगड़िया। जी हाँ दोस्तों, फिर मैं करता हूँ शो पर क्लिक। दोस्तों जैसे ही मैं शो पर क्लिक करूंगा आपसे रूलर और अर्बन, तो मैं दोस्तों रूलर पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा आपके ब्लॉक। दोस्तों आपके जो भी ब्लॉक है, जिस ब्लॉक के भी देखना चाहते हैं आप उस ब्लॉक पर क्लिक कर सकते हैं। मैं अलोली का देखना चाहता हूँ। दोस्तों अलोली क्लिक करने के बाद ब्लॉक आपके यहाँ पर पंचायत का लिस्ट आ जाएगा, तो आप जिस पंचायत में रहते हैं तो आपको उस पंचायत पर क्लिक करना है। तो मैं दोस्तों बहादुरपुर पंचायत में रहता हूं, इसलिए मैं बहादुरपुर का देखना चाहता हूं, इसलिए मैं बहादुरपुर पर क्लिक करूंगा। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने पंचायत बहादुरपुर के तीन गांव है, तो आपको जिस गांव में रहते हैं आप उस गांव पर क्लिक कर दीजिए। मैं सनिहार का देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सनिहार पर क्लिक करूंगा। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपके पंचायत में यानी आपके गांव सोनिहार में जितने भी राशन कार्ड बनाया गया है, जिनके पास भी राशन कार्ड है, उन सभी का नाम यहां पर आ जाएगा। दोस्तों साथ ही आप उसके घर के फैमिली मेंबर का नाम देखना चाहते हैं राशन कार्ड में किन किन का नाम है, तो वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पेज है, आप यहाँ पर अपना नाम ढूंढ सकते हैं। दोस्तों इसमें सर्च करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए आपको एक एक करके ही देखना होगा आपको अपना नाम। दोस्तों मैं चलते हैं कुछ और पेज खोलते हैं, फिर मैं आपको कुछ नाम दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतने सारी लिस्ट है, बहुत सारे नाम है यहाँ पर। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, मैं कुछ नाम दिखाना चाहता हूं, जैसे आप देख सकते हैं तुलसी देवी। दोस्तों इसके नीचे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इसके सदस्य के नाम, इसके घर में जितने भी लोग हैं इन सभी के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ में यहाँ पर आयु आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर उचित मूल्य दुकानदार जो आपका डीलर है उसका नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और राशन कार्ड का प्रकार दोस्तों AAY है ये। दोस्तों इसी तरह आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों फोटो नहीं आ रहा है, इनके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है। दोस्तों फोटो भी मिल जाएगा, किन्हीं किन्हीं में फोटो भी है, ये पुराने राशन कार्ड है इसलिए इनमें फोटो मौजूद है। तो चलिए मैं आपको कुछ नए राशन कार्ड दिखा देना चाहता हूँ। जैसे मैं 16 पेज पर आता हूँ तो आप दोस्तों देखेंगे, मैं इनका दिखाता हूँ लास्ट वाला सविता देवी, तो आप नीचे यहाँ देखेंगे इनका फोटो आ चुका है। तो दोस्तों पुराने राशन कार्ड में फोटो उपलब्ध नहीं है, नए राशन कार्ड जो बनाए गए हैं उनमें फोटो उपलब्ध है और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह आप किसी का भी राशन कार्ड, आपके गांव में जितने राशन कार्ड है जिनके पास है, आप उन सभी का नाम यहां पर आसानी से देख सकते हैं। ये बिल्कुल पब्लिक है, गवर्नमेंट के द्वारा ही पब्लिक किया गया है, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। इसने पब्लिक, गवर्नमेंट ने ही पब्लिक में रखा हुआ है डाटा को। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा।